तो आज मेरे पास एक देख सकते हो आप गीगाबाइट का A320 का मदरबोर्ड आया है, ठीक है। मॉडल नंबर है GA320M S2H। तो कस्टमर पहले बता रहा है जो डिस्प्ले नहीं था, फिर कार्ड लगाते डिस्प्ले आया है ग्राफिक्स कार्ड, बट फिर वो बायोस का अपडेट करते करते ये डेड हो गया। तो अभी लगता है जो बायोस कर सकते हैं, ठीक है, बायोस का प्रॉब्लम है तो बायोस कर देंगे, और थोड़ा सा देखना है हमें जो इसका अभी स्टेटस क्या बन रहा है, ठीक है। तो मैं जो इधर पे TPM पोर्ट है तो उधर पे एक कार्ड लगा दूंगा। मेरे पास अभी तो कार्ड नहीं है, ग्राफिक्स कार्ड है, ओके, सो मेरे पास अभी तो नहीं है, सो देख लेंगे कार्ड पे ही डिस्प्ले देख लेंगे और कीबोर्ड पे, ओके। अगर डिस्प्ले नहीं आउट होता है, बिकॉज इस बोर्ड में डिस्प्ले आना चाहिए, बट कस्टमर ने बताया ये थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड वाला बोर्ड ही है, ठीक है, बट वो हमको ये रिपेयर करने को नहीं बोला है, जस्ट ये बोला है जो डिस्प्ले ले आने को, बिकॉज डिस्प्ले अभी मिसिंग है। अगर क्या बोलते हैं बायोस करके हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो देखना पड़ेगा, ओके। तो LPC पोर्ट में जो हमारा कार्ड है, ओके, ये ऐसे लगेगा उल्टा करके, ऐसे उल्टा करके लगेगा। तो थोड़ा सा मुझे भी देखना है क्या कोडिंग है, मैं भी पहली बार ही चला रहा हूँ कस्टमर के पास से रिसीव होने के बाद। थोड़ा सा पावर केबल को ले लेता हूँ, एक सेकेंड, ये मेरा पावर केबल आ गया, और देखते हैं कोई कोडिंग है और 00 पे बोर्ड अटका हुआ है। तो ट्रिगरिंग का लिए ये ट्रिगरिंग, हाँ 00 पे है, दो ब्लिंक हो रहा है लाइट, इसका मतलब तो VRM सेक्शन ओके है, ठीक है, ट्रिगरिंग हो रहा है, VRM ओके है। थोड़ा सा वोल्टेज स्टेटस ले लेता हूँ, फिर बायोस करके देखेंगे। बायोस पर ही डेड हुआ है, हो सकता है फिजिकल भी कोई इशू आ सकता है, बट बायोस से भी हो सकता है, ठीक है। हमारा पहला जो है रैम, उसे चेक कर लेते हैं, 1.2 ओके है। जो इस बोर्ड में आप लोग जानते हैं DDR4 के लिए ये VDD है, ये 1.8 है, एक 2.5 मिलेगा, ये 2.5 है, ओके है, अब तक सभी ओके जा रहा है। 1.07 ये मेरा PCH वोल्टेज है, ओके है। और कोड किधर से बनेगा, कोड इधर से बनेगा, 1.8 GFX बन रहा है क्या, वन सेकेंड थोड़ा सा देख लेता हूँ, हाँ GFX भी बन रहा है। तो बोर्ड तो सब कुछ ही बन रहा है, ठीक है, जो छोटा चेक करके जो बता सकते हैं छोटा वाला, ओके। तो कोड 00 है, तो थोड़ा सा मैं बंद कर देता हूँ, RTC को रिमूव कर लेता हूँ, ओके। अभी इसे प्रोग्रामिंग करना है, गीगाबाइट का ऑफिशियल वेबसाइट से हम लोग बायोस डाउनलोड करके उसे एडिट करके इसे लगाएंगे, ओके। मेरे पास तो टूल है, ये जो टूल आता है इससे मैं कर लूँगा, IC को ओपन नहीं करना पड़ेगा, अच्छा वाला चीज़ है ये, आप लोग भी खरीद के रखिए। और थोड़ा सा जो प्रोग्रामर है, मैनिट का बायोस प्रोग्रामर यूज़ करता हूँ, अच्छा है, ठीक है। RT जो 806 होता है, ठीक है, वो नहीं लिया, बिकॉज वो नया वाला जो IC है उसका सॉकेट नहीं मिलता उसके साथ, और चाइनीज़ भी है, ये हमारा इंडियन मेड है, वारंटी भी मिल जाता है इधर पे, ठीक है। मेरा तो एक बार ख़राब भी हो चुका है, ठीक है, बट ख़राब ज़्यादा नहीं है, ठीक है, स्टेटस अच्छा है, बट मेरे जो पीस है वो तो मुझे ख़राब मिला है, ठीक है। तो पहले बायोस देख लेते हैं, ऐसे रीड हो जाता है तो अच्छा है, नहीं तो हम इसे ओपन करके करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मैं देख के लगा लेता हूँ,
थोड़ा सा आप लोग देख सकते हो, हाँ थोड़ा सा देख लेता हूँ पिन के साथ कनेक्शन है कि नहीं, एक दो पिन चेक करके। पिन नंबर वन, नंबर वन इधर पे है, सॉरी बीप पे रख कर चेक करना है। हाँ पिन नंबर वन कनेक्टेड है, पिन नंबर फोर कनेक्टेड नहीं है, तो यही प्रॉब्लम है। ठीक है, इस प्रोग्रामर नहीं, जो क्लिप है इसका, ये अच्छे से अगर नहीं लगेगा तो डिटेक्ट ही नहीं करेगा। तो पहले तो आपको चेक कर लेना फिर पावर देना है। देखिए पिन नंबर फोर अभी भी नहीं लगा है अच्छे से, ओके अभी ये दिक्कत कर रहा है। पिन नंबर वन, अब तो पिन नंबर वन भी डिसकनेक्टेड हो गया। हाँ अब लगेगा, मुझे लगता है अब लग जाएगा, ओके देखते हैं चलो। हाँ ये लग गया पिन नंबर वन, तो पिन नंबर वन की तरफ से प्रॉब्लम आ रहा है। अब ये थोड़ा सा देखना है, हाँ हड़बड़ी नहीं करना है, टाइम लेके करना है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बट थोड़ा सा टाइम लगता है इससे। अच्छा है बोर्ड से बायोस को निकलना नहीं पड़ता है, बट ये जो आपको थोड़ा सा चेक करने लगा है पहले हो रहा है कि नहीं कनेक्शन। नहीं अभी तक तो नहीं बना है, दो नंबर पिन, दो भी कनेक्टेड नहीं है, तीन कनेक्टेड है, चार कनेक्टेड है, दो और एक को प्रॉब्लम आ रहा है अभी भी। अगर बायोस की पिन पर रास्टिंग होगा फिर भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। ये कनेक्ट हो गया मेरा, एक चार कनेक्ट हो गया, तो अभी ट्राई करके देख लेते हैं डिटेक्ट होता है कि नहीं। ठीक है, तो ये मेरा SIO प्रोग्रामर है, केबल जो है एक ही है। ठीक है, तो केबल ले लेते हैं। बायोस अगर आपको करना नहीं आता है तो कमेंट करिएगा, थोड़ा सा मैं दिखा दूंगा, इधर पे नहीं दिखाता हूँ। ठीक है, मैं पकड़ लेता हूँ, आप लोग जानते हैं थोड़ा बायोस करना। ठीक है, अगर नहीं जानते हैं कोई दिक्कत नहीं, मुझे बताना, एक छोटा वीडियो बना दूंगा। हाँ क्या डिस्कनेक्ट हो गया, मेरा वाईफाई क्या हो सकता है? हाँ वाईफाई का थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। हाँ थोड़ा सा अभी मुझे जो डाउनलोड करना है, ओके मैं थोड़ा सा डाउनलोड कर लेता हूँ इसे, आप लोग मेरे साथ ही बने रहिए, मैं स्टेप बता देता हूँ। हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा इधर से मैं दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। ओके पहले जो डाउनलोड का प्रोसेस है आप इधर से देख लो। ठीक है, मैं इधर पे फिक्स कर देता हूँ। ओके तो हम लोग अब गीगाबाइट के ओरिजिनल वेबसाइट पर जाएंगे। GA-A320M-S2H रिविजन है 1.1 करके होगा, 1.1 BIOS चाहिए मुझे। ठीक है, गीगाबाइट का ओरिजिनल वेबसाइट आ जा भाई, आप लोग भी देख लो। गीगाबाइट का ओरिजिनल वेबसाइट से अच्छे से मिल जाता है, थोड़ा सा एक चीज़ करके ही आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो BIOS 21 BIOS अवेलेबल है, बहुत सारा BIOS है। ठीक है, पहले हम एक जो फ्रेश BIOS है उसे ही करना पसंद करेंगे। ये फरवरी में लॉन्च हुआ है 2023 का, इस साल फरवरी में, तो ये तो स्टेबल एबिलिटी लग रहा है, कोई भी एरर नहीं है। तो चलो एक बार जो पहला वाला ये वाला है इसे लगा लेते हैं, नहीं तो अगर इससे बात बन जाएगा तो अच्छा है, नहीं तो हम फास्ट रिलीज भी यूज़ कर सकते हैं, मार्च जो मिडिल में कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करता है, प्रोसेसर क्या लगाया गया है। ठीक है, तो हम लोग उतना चेक फेक नहीं करते, डायरेक्ट करते हैं अगर थोड़े से काम बन जाता है, और
तो हो जाएगा। देखिए एक्सट्रैक्ट कर लिया इधर पे, एक मुझे एक फाइल, सॉरी इधर पे एक फाइल मिलेगा, ये सब नहीं है, मेरा पुराना फाइल है। ठीक है ठीक है, एक सेकंड मैं इधर पे अंदर में कर लेता हूँ, ठीक है, एक फोल्डर बना के, नहीं तो आप लोग समझ में नहीं आएगा। ठीक है इधर पे एक्सट्रैक्ट करता हूँ, हाँ देखते हैं क्या क्या आता है। एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ एक्सट्रैक्ट फाइल, ये आ गया फोल्डर, इसके अंदर ये देखिए इधर पे जो पहला वाला है A320MS2.56B, ये मॉडल नंबर है, 16 MB का बायस है, इसे रीनेम करना है जस्ट। ओके ये इतना इजी है, ये रीनेम करो, इसका एक्सटेंशन कॉल कर दो बिन। ओके कर दो, ओके हो गया, ये रेडी हो गया मेरा बायस। ठीक है आप इसे फ्लैश कर दो, बोर्ड ऑन हो जाएगा अगर बायस से दिक्कत हो रहा है तो मैं इसे एक्सटेंशन पे कनेक्ट कर देता हूँ। ओके सो देखते हैं बायस डिटेक्ट करता है कि नहीं, ये कनेक्ट कर दिए, अभी जो प्रोग्रामर है उससे देखता हूँ। हाँ चिप भी मिल गया, 1 सेकेंड, चिप 1.8 वोल्ट का है, तो अभी डिस्कनेक्ट कर लेते हैं इसे। ओके ये बोल रहा है ये 1.8 का है, तो इसे ओपन करके 1.8 पर जो सॉकेट है उसे लगा देते हैं। ठीक है यह लग गया 1.8 का सॉकेट में, अभी फिर से कनेक्ट करते हैं। एक तरफ हाँ पिन ओके है, फिर से डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्ट तो नहीं हो रहा है, 3.3 पे हो गया, 1.8 पे नहीं हुआ, बताओ तो कैसा बायस है, तो हो जाना चाहिए था बट दिक्कत कर रहा है कुछ। नॉट रिस्पॉन्डिंग, इसका मतलब क्या है, तो 3.3 पे ले रहा है 1.8, अगर 1.8 नहीं लगाएंगे तो बायस रीड भी नहीं करेगा। ठीक है तो इसे 1.8 पे भी रख के काम करना है हमें, नहीं तो ये नहीं होगा, प्रोग्राम ही नहीं होगा, तो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, क्या हुआ, थोड़ा सा देख लेता हूँ और एक प्रोग्राम से। ये आ गया, अभी दिखा रहा है 3.3, पागल हो गया क्या, और पूरा पागल हो गया, इसका दिमाग घूम गया, और इसका दिमाग घूम गया आज, क्या दिखा रहा है बे। ठीक नहीं कर रहा है, यही अनुभव आ रहा है, यहाँ पे रिडक्शन ये डिटेक्शन में तो कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है डिटेक्शन नहीं हो रहा है, मुझे तो लगता है अभी बोर्ड से ऊपर ओपन करना ही पड़ेगा, क्यों नहीं हो रहा है। ओके पहले पिन कनेक्शन चेक कर लेते हैं, हाँ इधर से मैं इधर से ओपन कर लेता हूँ और इसे लगा लेता हूँ, पिन नंबर
एट हाँ पिन नंबर एट कनेक्टेड है, सेवन कनेक्टेड है, सिक्स कनेक्टेड, फाइव भी कनेक्टेड है, वन टू थ्री और फोर सभी कनेक्टेड है। अगर 1.3.3 में ये होगा, ठीक है, 1.8 दिखा रहा था, मुझे तो लगता है ये 3.3 का ही बायस है। देखिए ये रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पहले एक बार इसे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। एक बार बोर्ड को हम ट्रिगरिंग करेंगे, बोर्ड ऑन कर दी, ठीक है, मैसेज ट्रिगर दे दिया। अब मैं इसका वोल्टेज चेक कर लूँगा पिन नंबर एट पर, ये तो 1.8 का ही बायस है, देखिए 1.8 है, तो 1.8 में चल ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ बताइए, क्या करूँ अब। आई वी कोडिंग क्या एक ही है, देख लेते हैं थोड़ा सा। थोड़ा सा कनेक्शन में दिक्कत आ गया, वन सेकेंड। हाँ 0-0 है, एक ही स्टेटस है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बट ये डिटेक्ट क्यों नहीं कर रहा है, ये तो मेरा प्रॉब्लम हो गया। चलो अगर 3.3 में देखते हैं क्या आता है। अगर थ्री पॉइंट थ्री में प्रोग्रामिंग करेंगे तो चलेगा नहीं है, ठीक है। कनेक्टेड तो है, ये देखिए आ रहा है, बट दिखाई दे रहा है ये 1.8 वोल्ट का बायस है, ठीक है, ये बोल रहा है ये 1.8 वोल्ट का बायस है। तो चलो अभी इसे ओपन करके सिलेक्ट कर लिया, ओपन करके मूव करते हैं, ठीक है। अभी इसे लगा दिया और रीड करके देखते हैं क्या होता है। आई सी नॉट रेस्पॉन्डिंग, डिस्कनेक्टेड दिखा रहा है। अरे ऐसे कैसे भाई, ये क्या हो रहा है। 3.1.8 वोल्ट का बायस, 3.3 में रेस्पॉन्स कर रहा है, 1.8 में रेस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है। आई सी नॉट रेस्पॉन्डिंग, 3.3 में डाल देंगे तो बोर्ड रेस्पॉन्स कर लेगा। ये देखिए रेस्पॉन्स कर लिया। अब भी इसे ओपन करके इधर पे लगा देता हूँ, फिर डिटेक्ट ही नहीं हो रहा है। आईसी में तो दिक्कत है, मुझे लगता है आईसी में दिक्कत है कुछ।
देख के ही रेज होता है कि नहीं। ठीक है, ये गलत है, बट ये आईसी का कुछ ख़राब है, आईसी मुझे लगता है ऐसे नहीं होता। तो डिलीट भी नहीं होगा, ठीक है। तो बायोस का कुछ दिक्कत हो गया। नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है, छोड़ देते हैं इसे, ये ऐसे नहीं होता है, खराब हो सकता है ये। चलो आईसी के थोड़ा निकल के ही देखते हैं, ठीक है, क्या होता है। अगर निकल कर डिटेक्ट हो जाएगा तो अच्छा है, नहीं तो मुझे नहीं लगता डिटेक्ट होगा, बट मुझे लगता है आईसी ख़राब है इसका, जो मुझे लगता है, ठीक है। नहीं तो ऐसे कैसे जो 1.8 पर रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है आईसी, ऐसा तो नहीं होता है। थोड़ा सा देखता हूँ, ओके, ओपन कर लेता हूँ। सॉरी, अगर ओपन कर भी डिटेक्ट नहीं करेगा तो ये आईसी का ही फॉल्ट है, ठीक है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये आईसी ऑर्डर देकर ले आना पड़ेगा, फिर इसका जो भी करना है, ठीक है। निकल गया, थोड़ी देर रुक जाता हूँ, ओके, वन सेकेंड। तो आईसी को निकल लिया है, ठीक है, देख सकते हो, थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। फ्लक्स लगा हुआ है, नहीं तो डिटेक्शन में प्रॉब्लम आ सकता है, ओके। ओ, मेरा ब्रश किधर है, थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ, फ्लक्स लगा हुआ है। हाँ, तो ऐसा नहीं होता है, जो 3.3 में बायोस डिटेक्ट हो रहा है, 1.8 में नहीं हो रहा है, इसका मतलब आईसी का तो कुछ फंडा है, ठीक है, ख़राब नहीं होता है, ठीक है। अगर आप प्रोग्रामिंग कर दोगे तो प्रोग्रामिंग कोई प्रोग्रामर से प्रोग्राम भी हो जाएगा 3.3 से, बट वो चलेगा नहीं, ठीक है, प्रॉब्लम करेगा, दिक्कत देगा। तो मैं इधर से ओपन कर लेता हूँ मेरा प्रोग्रामर, और जो सॉकेट्स होता है ये सॉकेट ले लेता हूँ। ये सॉकेट में ओके, अभी ये ऐसे जाएगा इधर पे, और एक यूएसबी पोर्ट पर लगाता हूँ, ठीक है, वो एक्सटेंशन के साथ कनेक्टेड है, डायरेक्ट लगाता हूँ कंप्यूटर के साथ, ओके, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। आप लोग नहीं देख सकते, एक सेकंड, मैं पहले देख लेता हूँ। हाँ, डिटेक्टेड हो गया, ओके, तो ऐसे आप लोग को दिखाता हूँ। हाँ, ये देखिए मैंने क्या किया, इधर से डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, जो यूएसबी जो मेरा क्या बोलते हैं उसे, मेरा फ्रंट पोर्ट है उससे, ठीक है, ये कनेक्टेड है इधर पे। आप इधर पे देखिए, वो डायरेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, आपको ओपन करना पड़ेगा,
फिर इधर से आ गया मेरा, सिलेक्ट कर लिया 1.8 वोल्ट का बायोस। अब इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है, बिकॉज इसमें तो कुछ ठीक है। पहले एक बैकअप बना देते हैं, ठीक है, रीड करके एक बैकअप ले लेते हैं, नहीं तो बाद में अगर कोई परेशानी आई तो इधर से कोई डेटा अगर निकलना पड़े तो ये निकल जाता है, बिकॉज ये ओरिजिनल बायोस है। तो इसे एक कॉपी कर लेते हैं फिर वो करेंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास भी ऐसा वाला कोई बोर्ड है तो 1.8 वोल्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, देखिए ना आईसी नहीं ख़राब हुआ, देखिए परफेक्टली वर्क कर रहा है, आईसी नहीं ख़राब होता है, ठीक है। जो आईसी है वो प्रोटेक्शन दिया होता है, ठीक है, तो ख़राब नहीं होता है। वोल्टेज जो है वो सिंक कर जाता है, बहुत थोड़ा सा करंट होता है, ठीक है, बायस आईसी के पिन नंबर 1 पर प्रोग्राम का। तो अभी इसमें क्या है, हमको प्रोग्राम करके देखना है बोर्ड में कोई हलचल बनता है कि नहीं। बट अगर आपके पास भी ऐसा वाला कोई बोर्ड है तो बोर्ड जो सॉकेट है वो हमारा उस सॉकेट में काम नहीं करेगा। मैंने ये पहली बार नहीं और एक बार भी देखा था, सॉकेट काम नहीं करता है, कई कई जगह पे नहीं करेगा। अगर नहीं करता है तो आप ओपन करके करिए, ठीक है। अगर ओपन करके हो जाएगा तो समझ लेना वो बोर्ड पे सॉकेट नहीं चलेगा। तो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, हाँ, और अभी सॉकेट जब लगाएंगे तब थोड़ा सा कंटिन्यूटी से टेस्ट कर लो जो सॉकेट है वो अच्छे से पिन नंबर जो जो है उधर से अच्छे से कनेक्टेड है कि नहीं, ठीक है। बहुत टाइम पिन कनेक्शन ही नहीं होता है, हम लोग सोचते हैं डिटेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज पिन ही नहीं कनेक्टेड है। ओके, ऐसा भी होता है, मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए जो एक्सपीरियंस मैं गैदर किया हूँ उसे शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ओके, तो ये बोर्ड में क्यों ग्राफिक्स जो बीजीए केबल है उससे क्यों नहीं जेनरेट होता है ये मालूम नहीं, ठीक है। कस्टमर ने बताया ये जेनरेट नहीं होता है, तो हो सकता है प्रोसेसर का कुछ दिक्कत है, एएमडी का प्रोसेसर है ना, एएमडी का प्रोसेसर में दिक्कत होता है ऐसा, ठीक है, प्रोसेसर में दिक्कत हो सकता है, बोर्ड में भी दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो ठीक है, पहले तो उसने जो बताया वो कर लेना है। तो देखिए मैंने टोटल जो बायोस है उसे रीड कर ली। ओके ओके, ये बायोस वो जब रीडिंग उधर पे इरेज कर रहा था वो इरेज ही हो गया, तो ठीक है एक बार फ्रेश वाल इरेज कर लेते हैं। ओके, अच्छा होता अगर मैं उठा सकता था वो क्या बोलते हैं डेटा, ठीक है कोई बात नहीं हो जाएगा। थोड़ा सा इरेज करने में टाइम लग रहा है बिकॉज बड़ा चीप है, ठीक है, चीप हमारा 16 MB का है। इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए, ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, ये हो सकता है चिप भी फेलियर हो सकता है, ठीक है। इतना ज़्यादा टाइम थोड़े लगता है एक चिप को इरेज करने के लिए, ठीक है टाइम देते हैं, हाँ हड़बड़ी नहीं करते हैं, टाइम देते हैं। हाँ इरेजिंग हो गया, थोड़ा सा टाइम लगा बट ठीक इरेज हो गया। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, हम इधर से ओपन पर क्लिक करके डेस्कटॉप में ही हूँ, न्यू फोल्डर, ये मेरा बायोस। ओके, बिन फाइल ये लोड कर दिया, इधर पे आ जाएगा, देखिए ये आ गया मेरा सभी डेटा। अभी इसे थोड़ा सा देखना है, इरेज करना है, ब्लैंक चेक करना है, इरेज को हटा देते हैं, ठीक है सभी कर, ठीक है सभी कर देते हैं, ठीक है सब कुछ एक बार फिर से हो जाएगा, वेरीफाई करना है, ठीक है थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, छोड़ देते इसे करके। ओके, पहले इरेज करेगा फिर वेरीफाई करेगा, सॉरी वेरीफाई नहीं, ब्लैंक चेक करेगा फिर राइट करेगा फिर
वो वेरीफाई करेगा। थोड़ा सा टाइम लगता है, देखिए इधर पे लिखा हुआ आ रहा है इरेजिंग मेमोरी, ठीक है थोड़ा सा टाइम देते हैं, धीरे धीरे करते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं। एनीवे आप लोग कैसे हो, क्या काम कर रहे हो, आपका तबीयत कैसा है, कमेंट में आप हमको थोड़ा सा बताइए आप क्या काम कर रहा है, किधर से बिलोंग करते हो। ठीक है मैं भी देखो 60 सब्सक्राइबर हुआ है तो 60 लोग जो मुझे देख रहे हो तो किधर से आप लोग हो थोड़ा सा बताइए कमेंट में। मैं तो कलकत्ता सा हूँ, ठीक है एक सिटी है इच्छापुर करके, उधर से मैं रहता हूँ उधर पे, ठीक है काम कर रहा हूँ और क्या बोलते हैं उसे, मेरा अगर बात बताओ मैं क्या करता हूँ, क्या स्टडी किया, मैं पहले तो इधर पे लोकल स्कूल से मैंने 10 किया, उसके बाद मैंने साइंस में प्योर साइंस में 12 किया, ओके वेस्ट बंगाल बोर्ड से ही। आफ्टर दैट मैं जो मेरा डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैंने डिप्लोमा किया, ओके उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया, ठीक है सो इंजीनियरिंग जो चीज़ है वो बचपन से ही मेरा शौक़ था, ठीक है उधर पे ही काम करना था। और अभी जो इस लाइन पे मैं काम कर रहा हूँ ये एक बोल सकते हो जे क्या बोलते हैं उसे, ये एक साइड इनकम है, ओके साइड में बिजनेस है वो कर रहा हूँ, पढ़ाई भी चल रही है, ठीक है बट ये चलता रहेगा, अभी सामने का पता नहीं बट ये चलता रहेगा। ये मैं प्रोफेशनली क्लास 9 से मैं कर रहा हूँ, ठीक है मोबाइल रिपेयरिंग जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी चीज़ है वो रिपेयरिंग करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ से खेलना मेरा बचपन का शौक है, ठीक है तो जो मेरे तरह है वो रिलेट कर सकता है मुझे लगता है, ओके तो क्या बताते हैं तो इसलिए करते करते इस लाइन पे आ गया तो रिपेयरिंग चालू कर दी। जो सेटअप है उधर पे देख सकते हो डीसी मशीन पड़ा है, ठीक है वो येलो वाला वो डीसी मशीन वो पहला वाला है, अभी तो एक अच्छा वाला 10 एम्पियर का डीसी मशीन ले लिया है मेट्रावी का, ओके लीनियर सो ये भी मेट्रावी का यूज़ करता हूँ, ठीक है ये भी मेरा डिप्लोमा के टाइम पे ख़रीदा गया था, मेरा डिप्लोमा का जो कॉलेज का जो लैब में जो मल्टीमीटर था वो 603 ही था मेट्रावी का, बहुत अच्छा लगा बहुत ड्यूरेबल मल्टीमीटर है। मैं जो सेकेंड ईयर में जब था तभी से ख़रीदा था 1800 रुपीस में, आज से 6 साल पहले की बात है, ठीक है 6-7 साल के करीब पहले मैं ये ख़रीदा था, आज भी ये कोई दिक्कत नहीं दिया, ठीक है बहुत अच्छा मल्टीमीटर है, मेट्रावी ब्रांड अच्छा है, ओके मैं पहले मेट्रावी का मल्टीमीटर ही पहला यूज़ किया हूँ, ठीक है उसके बाद अभी डीसी मशीन जो है इसका मॉडल नंबर है RPS 3005, ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है तो क्वालिटी अच्छा होता है मेट्रावी का, आप भी अगर लेना चाहते हो तो ले लो कोई बात नहीं, ठीक है बट पावर सप्लाई अगर ख़रीदना है छोटा ख़रीदो बड़ा ख़रीदो, आपका पावर सप्लाई में करंट लिमिटिंग फीचर्स होना चाहिए और जो पावर सप्लाई है वो क्या बोलते हैं उसे SMPS वाला मत ख़रीदना, ठीक है SMPS वाला टिकता नहीं है, ठीक है वो 2-4 साल में ही फूक जाएगा, ठीक है होता है बहुत चीप प्राइस में मिल जाता है आधे कीमत पे 10 एम्पियर मिल जाएगा बट अच्छा नहीं है, ठीक है मेरा ये 10 एम्पियर नहीं है ये 5 एम्पियर है, सॉरी है मैं 10 एम्पियर बता दिया बोल करके, नहीं ये 5 एम्पियर है बट 10 एम्पियर जो ये पकड़ लो आप 10 to 11,000 इसका प्राइस लगा था आज से 2 साल पहले ख़रीदा था, सो आप पकड़ लो आपका 10 एम्पियर 5-6,000 में आ जाएगा SMPS बेस्ट, बट वो अच्छा नहीं है मत ख़रीदो, ये बहुत अच्छा है रिपेयर कर सकते हैं इसे
बट SMPS अगर फूक जाएगा तो गया। ये देख सकते हो OSS टीम का मैंने जो क्या बोलते हैं इसे आयरन लिया है, ये SMPS बेस्ट है, ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते इसलिए छोटा सा एक सोल्डरिंग आयरन मैंने ले लिया। इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, ठीक है, टॉप ऑफ द ग्रेड परफॉर्मेंस है इसका, ठीक है। बीट भी बहुत सारा है, नाइट बीट है, इधर पे नाइट बीट है, ओके, और इधर पे एक जो बेंड करके जो होता है वो वाला है, ठीक है, ये देख सकते हो बेंड है इसका टिप। ये जो मोबाइल का जो बॉल होता है ना CPU के अंदर में, वो बॉल क्लीनिंग करने के लिए बहुत अच्छे से यूज़ हो सकता है, तो मैं ये यूज़ करता हूँ। ये एकदम नुकीला है, यह एकदम नुकीला है, ठीक है, ये ज़्यादातर मैं नहीं यूज़ करता हूँ, तो ये दो बीट बहुत अच्छा है, यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ये ZD का जो क्या बोलते हैं इसे, बिकॉज ये SMPS बेस्ड है तो थोड़ा सा ESD का दिक्कत आता है, ठीक है। अगर आप PCH के एरिया में काम कर रहे हो, समझ लो जो क्रिस्टल जेनरेटर फिनेटर है उधर पे काम कर रहे हो, तो थोड़ा सा हीट करके उसे ऑफ़ करके काम करो, उससे अच्छा होगा। बिकॉज़ अगर ESD थोड़ा सा भी वो डेलिकेट है बहुत, जो हमारा क्या बोलते हैं उसे, जो PCH के एरिया होता है, ठीक है, अगर उधर पे एक भी ज़्यादा क्या बोलते हैं ESD जो करंट होता है AC वाला करंट चला जाएगा तो ब्रिज डैमेज हो सकता है। तो मैंने ट्राई करके नहीं देखा है, ठीक है, बट मैं पहले से ही ये थोड़ा सतर्क होके ही करता हूँ, ठीक है। अभी सामने ये भी लेना है, और जो मेरा ऑसिलोस्कोप है वो भी लेना है, तो काम बहुत है, काम का प्रेशर भी है, ठीक है। आज एक वीडियो अपलोड किया सोनी का, सोनी जो वायो सीरीज़ का लैपटॉप है, डेड था। फिर एक मॉनिटर रिपेयर किया, फिर एक बोट पे अभी काम कर रहा हूँ, इसके बाद एक डेल का लैपटॉप रिपेयर करना है, उसके बाद एक चार्जर रिपेयर करना है जो लेनोवो का है, 20 वोल्ट का जो लैपटॉप एडाप्टर है उसे रिपेयर करना है। तो काम तो बहुत है, टाइम ही नहीं है, ठीक है, टाइम बहुत जल्दी चला जाता है। अभी तो वीडियो रिकॉर्डिंग के चक्कर में ज़्यादा टाइम जाता है, ठीक है, आप लोगों को ऐसे छोड़ कर तो नहीं जा सकते, ये छोड़ दिया। देखिए अभी ये हो रहा है, तो अभी मैं कुछ और काम कर सकता था, ठीक है, तो इधर पे नहीं कर सकता हूँ, तो अनकट वीडियो देना ही अच्छा लगता है, तो इसलिए देता हूँ, ठीक है। देखिए मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुआ वो आप लोग भी देखे, जो मेरा ये क्लिप में प्रॉब्लम हुआ, ये क्लिप में, ठीक है, मैं इसे कैसे, पहले तो चेक किया, फिर कनेक्शन चेक किया, फिर 3.3 में डिटेक्ट हो रहा था, मैंने कंक्लूड किया चिप ख़राब हो सकता है, फिर मैं ये कंक्लूड किया ठीक है अभी नहीं बोलते चिप ख़राब है, पहले निकल करके एक बार सॉकेट में लगा के देख लेते, अगर उस उधर पे भी नहीं डिटेक्ट करेगा फिर मैं बोल सकता हूँ। ये अगर जो एक्सपीरियंस है ना सॉरी तबीयत थोड़ा ख़राब है, तो ये जो एक्सपीरियंस है ये आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जो हमसे जो गलती हो गया और हमसे जो काम नहीं बना, जिधर पे हमने मिस्टेक कर दिया, वो आप लोग नहीं करेंगे, राइट, इसलिए मैं अनकट वीडियो देना चाहता हूँ, बट सभी नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे लगता है मेरा तो काम हो गया, ओके, सक्सेस आ गया फाइनल वाला, ये वेरिफिकेशन मेमोरी वेरिफिकेशन सक्सेस है, ठीक है, तो हो गया, BIOS प्रॉपरली प्रोग्राम है। अभी इसे मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, एक बार इसे फिर से ऑन करके डिटेक्ट करता हूँ IC को इसे डिसकनेक्ट करना पड़ेगा, ओके, नहीं तो IC डिटेक्ट नहीं होगा, ये यूनिट का प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, ये सॉफ्टवेयर ही ऐसा डिज़ाइन किया है, ठीक है। एक बार अगर कट दो तो फिर से डिटेक्ट करने में कनेक्शन डिसकनेक्शन करना पड़ता है। ये आ गया, मैं जस्ट इसे रीड करके देख लूँगा जो फाइल मैंने प्रोग्राम किया है वो आया कि नहीं, ठीक है, जस्ट राफली देख लूँगा, चिप का कोई एरर नहीं आना चाहिए, ओके, और फिर मैं देखता हूँ BIOS का दिक्कत है कि नहीं। बहुत टाइम ऐसा होता है कस्टमर सोचते हैं BIOS से प्रॉब्लम आ गया, बट मे बी बोट में जो
प्रोसेसर का दिक्कत था वो ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, प्रोसेसर टोटली बंद हो गया, यह भी हो सकता है ना, कस्टमर को वो नहीं जानते, तो थोड़ा सा हमें भी देखना है क्या है। मेरे पास तो प्रोसेसर है बट इधर पे लगाना नहीं चाहता, ठीक है, वो मेरा वर्किंग पीसी में लगा हुआ है, एएमडी का 3200 जिधर पे मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ, वो मेरा अच्छा वाला गेमिंग कंप्यूटर है, सो मैं लगाना नहीं चाहता, थोड़ा सा देख लूँगा, अगर नहीं होता तो कस्टमर को भेज दूँगा, मेरे पास प्रोसेसर नहीं है, ठीक है, तो नहीं तो अगर इधर पे लगाने के बाद अगर ये बोर्ड में कुछ दिक्कत है, ठीक है, देखिए ऐसा होता है जो अभी जो प्रोसेसर आ रहा है एएमडी का हो इंटेल का, बोर्ड में कोई भी थोड़ा सा भी दिक्कत है ना, अगर देखिए एक केस मिला था, मैं आपको बोलता हूँ, वो बहुत अच्छा मदरबोर्ड था, वो है एमएसआई का मदरबोर्ड, ठीक है, मैं याद नहीं कर सकता, वो कस्टमर अपडेट कर रहा था बायोस, बंद हो गया, उसका पीसीएच जो था है वो बर्न हो गया, ठीक है, पीसीएच बहुत ओवरहीट हो रहा था, कैसे हुआ बताओ आप, हो सकता है ऐसे जो अब बताएंगे, जब वो अपडेट हो रहा है तभी पीसीएच डेड हो गया, नहीं भी हो सकता है बायोस करप्शन की वजह से पीसीएच डेड हो गया, ये भी हो सकता है ना, इसलिए मैं बताता हूँ, इसलिए मैं रिक्स नहीं लूँगा, ठीक है, मेरा वो वारंटी ख़त्म हो चुका है, कुछ भी होगा तो मेरा सर पे गिरेगा, ठीक है, ये कस्टमर का बोर्ड है, आधा डेड बोर्ड है, ठीक है, इस पे पैसा भी ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो मैं क्यों रिक्स लूँ, ठीक है, कस्टमर पैसा दे के इस पे पैसा लगाएंगे, फिर कस्टमर इस वो देखेगा, ठीक है, आ गया तो अच्छा है, नहीं आया तो फिर चेक करना, देखिए पूरा डिटेल्स आ गया मेरा, ठीक है, बायोस प्रोग्रामिंग हो गया, मैं अभी इसे ओपन कर लेता हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा सेव कर देता हूँ, ऐसे तो नहीं चलेगा, इधर से ये ओके, अभी मेरा जो सॉकेट है इससे निकल लेता हूँ और बायोस के लगा देते हैं जिधर पे बायोस लगा हुआ था, थोड़ा सा पिन को देख लेना है, ओके, पिन नंबर वन, ये पिन नंबर वन है इधर पे, मैं पिन नंबर वन को सेट कर लिया, फिसल रहा है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, कंपनी ने बहुत अच्छी जगह बायोस लगाने का डिसीजन लिया है, बहुत खाली जगह है इधर पे, अच्छा है, कोई प्लास्टिक प्लास्टिक मेल्ट नहीं होगा, मैं अप्रिशिएट करता हूँ ये, चलो बायोस तो लग गया, अभी थोड़ा सा इसे मैं इसका जो पैड्स हैं उसे थोड़ा सा मैं सोल्डरिंग से अच्छे से बना दूंगा, ओके, लग गया है, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी चलो हो गया, क्लीनिंग कर लेते हैं और फिर पावर दे के देखते हैं कुछ सॉल्व हुआ कि नहीं प्रॉब्लम, इस बार उसमें क्लिप लगाने से काम नहीं बनेगा, ओके, आपको डिस्कनेक्ट करके ही करना है, आपके पास कितना भी अच्छा प्रोग्रामर है वो डिटेक्ट नहीं करेगा, ये एनिट का प्रोग्राम तो अच्छा है, ठीक है, क्वालिटी भी अच्छा है, एक बार ख़राब हुआ है मेरा बट वो चल जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से ही रिप्लेसमेंट मिल गया, बट अच्छा है, ठीक है, अब भी खरीद सकते, तो ये तो
पूरा क्लीन है, हो गया। मैं थोड़ा सा इसे इधर पे आप लोग को दिखा देता हूँ। ओके, मैं भी देख लेता हूँ सब पिन अच्छे से लगा कि नहीं। हाँ, लग गया है। तो अभी इसका जो बायोस बैटरी है उसे भी इंसर्ट कर देते हैं और जो कार्ड है उसे लगा के देखते हैं कोई रिस्पॉन्स है कि नहीं। पावर देते हैं। पावर मैंने दे दिया। ओके, अब ट्रिगरिंग करता हूँ, देखते हैं कोडिंग का वेरिएशन आता है कि नहीं। यस, कोडिंग आ गया। ठीक है, तो इसका प्रॉब्लम तो मेरा बायस से ही था। ओके, देखते हैं किधर पे अटकाता है कोडिंग जो कस्टमर ने बताया। आप लोग देख सकते हैं कोडिंग वेरिएशन। यस, होगा, दो तीन बार होगा। पहला बार बायस ऑन हो रहा है, ये बीप आया। मुझे लगता है ये बायस की वजह से ही डिस्प्ले गायब था। ओके, वन सेकेंड, मैं डिस्प्ले थोड़ा सा लगा लेता हूँ। बायस की वजह से भी डिस्प्ले गायब हो सकता है। ठीक है, कोरप्टेड बायस की वजह से तो नहीं, इधर पे तो अभी तक नहीं है। तो मैं थोड़ा सा रिस्टार्ट करके देखता हूँ। हाँ, ए भी तो आ गया, तो इसका मतलब बोर्ड तो प्रॉपरली वर्किंग है। तो अभी ऑन कर देता हूँ, इसमें हम प्रोसेसर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, बोर्ड वर्किंग है, ये बीप आया। बट ग्राफिक्स, हाँ देखिए ग्राफिक्स भी बन गया मेरा। ठीक है, इसका प्रॉब्लम मेरा बायोस में ही था, ये ग्राफिक्स बन गया। ओके, तो देखिए कस्टमर ने पहले क्या बताया, कस्टमर ने बताया मेरा ग्राफिक्स नहीं आता है, मैं ग्राफिक्स कार्ड लगा के इसका ग्राफिक्स ले आता हूँ। एक बायोस अपडेट आया था, मैं ट्राई किया अपडेट करने को, बोर्ड डेड हो गया। ठीक है, तो मैं बताया ओके आप भेज दो, मुझे भेज दिया। अभी दिखा जो इसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, जस्ट बायोस की वजह से मेरा जो पूरा बोर्ड है वो डिस्प्ले लेस हो गया था। ठीक है, प्रोसेसर की भी दिक्कत नहीं था, मैं बोल रहा था प्रोसेसर से भी दिक्कत हो सकता है बिकॉज AMD में प्रोसेसर का दिक्कत आता है, बट इस वाले बोर्ड में नहीं। ये अच्छा था, जिस बायोस के वजह से मेरा पूरा प्रॉब्लम जेनरेट हो रहा था। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा केस स्टडी आपको मिल गया। पहले तो आप ये समझ लो, देखिए पहला जो केस स्टडी में आपको ध्यान रखना है, इस वाले जो केबल है वो केबल इस बोर्ड में नहीं चलेगा। अगर 3.3 में, बहुत लोग ऐसे कमेंट करेगा आप लोग 3.3 पे दे दिया बोर्ड ख़राब हो जाएगा। ख़राब हुआ, ये देख, ये ओके ख़राब हो गया ना मेरा बोर्ड। तो हम लोग ऐसे नहीं करते, ठीक है, जो जानते हैं वही करते हैं। सो बोर्ड नहीं ख़राब होता, ये रेगुलेटर से आ रहा है, वोल्टेज रेगुलेटेड है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो क्या हुआ, बायोस ऑफिशियली आप लोग को दिखा दिया किधर से डाउनलोड करना है, कैसे करना है, सब कुछ दिखा दिया। ठीक है, पूरा स्टेप बाय स्टेप वीडियो भरा हुआ, बट आपको एक अच्छा केस स्टडी मिल गया। प्रॉब्लम क्या था, ग्राफिक्स नहीं था, VGA से ग्राफिक्स आ रहा था, बट कस्टमर ने अपडेट करते करते बोर्ड ही डेड पड़ गया। अभी मैंने जब कर दिया ये अच्छे से ऑन भी हो गया, प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया, दो केस स्टडी एक साथ मिल गया इस बोर्ड में। ठीक है, तो अगर ये देख सकते हो आप, 1.8 वोल्ट पे लगा हुआ था, ये 1.8 वोल्ट के लिए, ये 3.3 के लिए, इधर पे आ रहा था, इधर पे नहीं आ रहा था, सॉकेट में लगाया तो आ गया। ठीक है, तो आज का वीडियो यही था, अच्छा लगा तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो मेरा चैनल को, ऐसे वीडियो आता रहेगा। और अभी और काम पड़ा है, रात के 11 बज चुके थे। ठीक है, खाना भी खाना है, बहुत काम का प्रेशर है। ठीक है, चलो ऐसे ही चलता रहेगा काम। आज के तो आपका जो वीडियो था वो सोनी वाला तो मिल गया, मैं अपलोड कर दिया हूँ। ठीक है, सो इसे बंद कर देते हैं, डिस्प्ले बना हुआ है। ठीक है, इसे बंद कर देते, और एक बार डिस्प्ले दिखा देता हूँ मैं इधर पे। ओके, फाइनल इधर पे, ये देखिए, और एक बार रिस्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ। ओके, इधर से मैं रिस्टार्ट देता हूँ, ये रिस्टार्ट अप्लाई कर दिया, थोड़ा सा देख लो, बीप दिया डिस्प्ले। ओके, सो परफेक्टली वर्किंग है। तो चलो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, और अब अच्छा लगे तो थोड़ा सा लाइक कर दो, अच्छा लगेगा मुझे भी। ओके, थैंक यू, बाय बाय गाइस।